तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है हमारे प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क After denial of service or DOS attack, DOS attack की बात की बात करें तो the term proof of work was first coined and formalized in a 1999 paper by Marcus Jacobson and Eric Jules. इन दोनों ने हमारे proof of work को 1999 में ही paper पे launch किया था right? अब यहाँ पे देखिए Bitcoin की वजह से हमारा proof of work काफी ज्यादा famous है क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क का ही मैकेनिज्म हमारे बिटकॉइन में यूज होता है एक डेफिनेशन देख लेते हैं अपने पीओडब्ल्यू के ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क डिस्क्राइब्स अ कंसेंसस मैकेनिज्म दैट रिक्वायर्स अ सिग्निफिशेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग एफर्ट फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस अब इस डेफिनेशन को समझते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि नोट्स होते हैं नोट्स को हम यहाँ पे माइनर्स कहते हैं एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे अपने इस वीडियो में वन थाउजेंड माइनर्स को लेके राइट सो इन माइनर्स को काफी बड़े बड़े हार्डवेयर्स यूज करने होते हैं काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी होती है और तो और इनको पजल सॉल्व करने होते हैं जो कि काफी हार्ड पजल्स होते हैं और एक टाइम के अंदर इनको सॉल्व करना होता है राइट right? और ये पजल सॉल्व करने के बाद इनको कुछ क्वाइंस भी मिलते हैं राइट right? अब मैं आपको बता देती हूं कि हमारे जो है ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स कैसे वैलिडेट होते हैं फिफ्टी परसेंट से ऊपर लोग अगर ब्लॉक को किसी ब्लॉक को वैलिडेट कर देते हैं तो वो हमारे ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है वो ब्लॉक राइट अब देखिए जो हमने अभी बात किया था कि वन थाउजेंड माइनर्स हैं हमारे पास राइट सो so, वन में से एक ही माइनर जीतेगा विनर होगा राइट वो, वो पजल जो जल्दी सॉल्व करेगा वही विनर होगा ऑफ कोर्स ये बात है तो 1000 माइनर्स माइनर्स में से 9, 999 फेल हो जाते हैं इट मींस उनकी इलेक्ट्रिसिटी उनके हार्डवेयर वेस्ट हो जाते हैं राइट right? सो so, आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी ड्रॉबैक्स है हमारे प्रूफ ऑफ वर्क की यहां पे एक और टॉपिक आ जाता है माइनिंग पूल अब इसका क्या मतलब है माइनिंग पूल से आप ये समझ सकते हो कि एक लोगों का ग्रुप है जो कि इसी पजल को साथ में सॉल्व करती है ठीक है मिलके सॉल्व करेगी इससे क्या होता है कि लो इलेक्ट्रिसिटी लगती है और कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं कि मतलब ये सभी लोग अपना मिलके इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे यूज होता है तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो माइनिंग पूल होगी इनकी जीतने की चांसेस ज्यादा होंगे राइट इनके जीतने के चांसेस क्या होंगे ज्यादा होंगे सो so, अब इस मैकेनिज्म में हमारे प्रॉब्लम आ जाती है डिसेंट्रलाइजेशन पे किस तरह से वो भी देख लेते हैं जैसे कि हमारे माइनिंग पूल की अभी हमने बात की राइट सो माइनिंग पूल में अगर 50 परसेंट से ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं वो अपनी एक पूल बना लेते हैं तो अगर मैंने अभी आपसे बताया कि ब्लॉक को किस तरह से वैलिडेट करते हैं राइट सो फिफ्टी परसेंट से ज्यादा उस ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे तो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगी तो इस तरह से ये तो हमारा सेंट्रलाइज कहलाने लगेगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेंसस मैकेनिज्म आता है जो कि है प्रूफ ऑफ स्टेक अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में क्या होता है ये प्रूफ ऑफ स्टेक देखिए प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ क्रिप्टो करेंसी कंसेंसस मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन एंड क्रिएटिंग न्यू ब्लॉक इन अ ब्लॉक अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको और आगे वीडियो देखना होगा तो समझते हैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे हम लोग माइनर्स को वैलिडेटर कहके बोलेंगे राइट यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर्स को हम लोग वैलिडेटर कहते हैं इतना तक हम लोग को क्लियर हो गया अब देखिए यहाँ पे जो नोट्स होते हैं हमारे उन नोट्स को नोट्स मतलब कंफ्यूज नहीं होगा मीन्स वैलिडेटर या फिर आप समझने के लिए माइनर समझो राइट यहाँ पे मैं नोट्स की बात कर रही हूँ जो हमारे नोट्स होते हैं उनको एक टाइम दिया जाता है एट अ टाइम उनको वो पजल सॉल्व करना होता है राइट right? क्या रिवॉर्ड पाने के लिए ठीक है ना तो उन नोट्स को एट अ टाइम एक पजल दिया जाता है सिर्फ एक ही नोट वहां पे एक ही वैलिडेटर उस टाइम पे उस पजल को सॉल्व करेगा और कोई भी वैलिडेटर उस टाइम पे उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता एट अ टाइम एक ही माइनर एक ही नोट एक ही वैलिडेटर वहां पे क्या करेगा उस पजल को सॉल्व करेगा राइट तो कंफ्यूज नहीं होना है नोट्स माइनर्स और वैलिडेटर को लेके ठीक है ना इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो अदर होंगे जो अदर लोग होंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगी अदर माइनर्स होंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगी राइट तो so ये तो काफी अच्छा हो गया अब जो उनको रिवॉर्ड मिलता है जैसे उनको टेन क्वेंट्स रिवॉर्ड मिले राइट सो so उनको पहले से हंड्रेड कॉइन्स को स्टेक पे लगाना होगा तब उनको वो टेन टेन कॉइन्स रिवॉर्ड मिलते हैं राइट इसीलिए तो इस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं राइट अब देखिए अगर वो लोग क्या कर देते हैं गलत ट्रांजेक्शन करते हैं रॉन्ग ट्रांजेक्शन हमारे वैलिडेटर कर देते हैं एक वैलिडेट करने के लिए ब्लॉक को राइट अच्छे तरीके से समझिएगा एक एक वैलिडेटर अगर हमारे ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए गलत ट्रांजेक्शन रॉन्ग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनका क्या होगा तो उनको वो रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है और उनके स्टेकिंग में से बहुत ही बड़ा पोर्शन कट किया जाता है अब देखिए प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको बहुत ज्यादा बड़ी हार्डवेयर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए वो छोटा हार्डवेयर का भी और कम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वो स्टार्ट कर सकते हैं राइट सो so, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक तब अच्छी तरीके से हम लोग समझ जाएगा क्या है इनमें डिफरेंस और किस वजह से इनको अलग अलग चीजें कही जाती हैं राइट सो प्रूफ ऑफ वर्क में एनर्जी कंजप्शन ज्यादा लगता है और प्रूफ ऑफ स्टेक में एनर्जी कंजप्शन कम लगता है राइट यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में हम लोग माइनर्स कहते हैं राइट और प्रूफ ऑफ स्टेक में उन्हीं माइनर्स को हम लोग वैलिडेटर कहते हैं राइट प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि थ्रेड ऑफ रहती है मतलब हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को काफी खतरा होता है राइट right? और प्रूफ ऑफ स्टेक में हमारे कोई थ्रेड नहीं होता कोई खतरा नहीं होता हमारे डिसेंट्रलाइज को राइट right? डिसेंट्रलाइजेशन को सो आई थिंक सो आपको अच्छी तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच का डिफरेंस और वो दोनों क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा सो so, अब हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में रिफर्स टू अ मैथड ऑफ वेरिफाइंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो फॉर्म डेड हैविंग वन इज टू वन बैंकिंग अक्रॉस द डिजिटल एसेट्स इट होल्ड्स इन कस्टडी ऑन बिहाफ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ़ इट्स कस्टमर्स अब देखिए इस डेफिनेशन को समझते हैं एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल आसान डेफिनेशन है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर हमने ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्ट किए एक टोकन में एक एक्सचेंज में अब हम उनको चाहते हैं विदड्रॉ करना राइट right? अगर हम उनको चाहते हैं विदड्रॉ करना तो वो लोग क्या हमारे वो जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो हमको वापस कर पाएंगे या फिर उन्होंने उस टोकन को जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उस टोकन को किसी और टोकन में उन्होंने चेंज कर दिया हो एक्सचेंज कर दिया हो फॉर बैरो एंड बेनिफिट राइट तो क्या सिर्फ हमारे स्क्रीन पे सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ आप इतना पैसा विदड्रॉ कर सकते हो सिर्फ दिखने का है कि वो क्या वो सच में एक्सचेंज अपने पास उतना पैसा रखा हुआ है जो कि हम अपना इन्वेस्ट किए हैं अपने ट्रेडिंग के लिए राइट तो प्रूफ ऑफ रिजर्व काफी हेल्प करता है हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में राइट सो आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय